Hijras are members of an ancient transgender community that has been part of Asia's culture for thousands of years. Yet they face exclusion from their birth family, discrimination by the law, and a reluctance to be accepted by the mainstream community. 16-17 साल के होंगे तो मैंने घर छोड़ दिया था. अच्छा व्यवहार नहीं करते थे. मतलब है कि जो हमारे जैसा होता उसके ना बचपना उसकी चाल ढाल बोल चाल ऐसी होती है ना. तो अड़ोसी पड़ोसी भी मोहल्ले वाले भी सब लोग बोलते हैं कि ये छक्का है, ये मर्द नहीं है. मेरे फैमिली वालों ने मतलब जब उनको मेरे बारे में पता चला था बचपन से ही मतलब उनको ये पता था कि मुझे बहुत शौक है डांस का. मतलब फेमिनिन लुक में रहना, लड़कियों की तरह बोलना चालना, मेरी एक्टिविटीज़ जितनी भी थी वो सारी लड़कियों वाली थी. मतलब उनको एक्सेप्टेबल था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई इशू भी नहीं था. मतलब पर उनको ये कन्फर्म नहीं था कि मैं मतलब मेरी आइडेंटिटी है क्या. वो ये सोचते थे जब मैं छोटी थी तो कि शायद अभी बचपने में है तो बड़ी हो जाए, बड़े हो जाए तो शायद सुधर जाए. लोगों की नज़रें सबसे ज़्यादा वो कुछ ज़्यादा ही बोलती हैं. अब कहीं पे भी हम लोग अगर जाते हैं एजुकेशन के लिए, कहीं एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ पे भी स्टूडेंट्स और सबका बिहेवियर एक मतलब अगर वो भले ही एक दूसरे को ना कहें लेकिन उनका देखना ही इस तरह का होता है कि वो खुद शर्मसार होकर दोबारा जाने की हिम्मत नहीं होती. व्हेन यू टॉक अबाउट द मेन स्ट्रीम, हु इज़ द मेन स्ट्रीम, एंड इफ द मेन स्ट्रीम डू नॉट अंडरस्टैंड एंड हैव नो नॉलेज अबाउट अस, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट यू नो टू जेल और यू नो गेट अलॉन्ग और वर्क विद देम. सो आई थिंक द फर्स्ट पार्ट व्हाट रिक्वायर इज to educate people about, you know, the community. In April 2014, the Supreme Court, in a landmark judgment, awarded transgenders the identity of being the third gender. It also directed the central and state governments to take steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens. A year on, the best that has happened is the passage last month of a private member bill in the Rajya Sabha on transgender rights. As of now, the transgenders' merger with mainstream society is faced with many hurdles, not the least being that of social acceptance or awareness. See, it's almost 1 year over now. We were all happy about the judgment, but till now and so far, I don't see, you know, things happening. Judgment आ गया, third gender का judgment आ गया, उनको recognized कर दिया गया है, उनके लिए jobs available हैं. But मैं एक simple सा questions पूछती हूँ कि जब हम लोगों को बचपन से ही पढ़ाई नहीं मिलेगी तो आगे चल के कोई किसी भी पोस्ट पर आप हमें कैसे बिठा सकते हो? हाँ, इस वर्डिक्ट के बाद कुछ कुछ जगह तो सुधार आया है लेकिन कुछ कुछ जगह सुधार आना बाकी है. जो लोग मतलब हम लोगों से थोड़ा बहुत हीन भावना से देखना ये सब, तो उनमें थोड़ा बहुत आया है कि हाँ नहीं, अब इन लोगों को भी राइट्स मिल चुके हैं, इन लोगों को भी जीने का हक है, तो वो लोग भी मतलब उस तरह से हम लोगों को अब थोड़ा बहुत ट्रीट करने लगे हैं. According to research by Ahir, nearly 70-80% of transgenders are involved in begging and sex work. Even after the verdict, there are no opportunities in government jobs. And with poor educational standards, those from the community are unable to avail any opportunities. Community already is having this, you know, living in this shell and they're not going out. This is a minority. They're not going out. Any system provided by or any kind of facility by the government, have they approached them? Oh, these are the benefits for you and this is how we're gonna do. It's somewhere, you know, there in papers and other things, but they are unaware of it. I mean, hijras are uneducated, they don't read. Har hijra chahta hai ki wo usko har wo facilities mile jo ek male aur ek female ko di jati hai. चाहे वो टोली वाला हिजड़ा हो, चाहे वो सोशल सेक्टर का हिजड़ा हो, चाहे वो सेक्स वर्कर हो और चाहे वो रोड पर रेड लाइट मांगने वाला हिजड़ा हो. इसमें से कोई भी हिजड़ा होगा लेकिन सबकी एक्सेप्ट एक वो होती है कि इच्छा होती है कि मेरा कि मतलब जो सुविधाएं सभी लोगों को सर्विसेज मिल रही हैं वो सर्विसेज मुझे भी मिले और उसी रूप में मिले जिस रूप में वो सब लोगों को देते हैं.